अब हम इस फर्मे को 2 इंच ऊपर कर लेंगे और ये बैक कटिंग हो गई। यहाँ पर पीछे हम डिजाइन दे देंगे। अभी मैं यहाँ से हटाऊंगा। अब मैं यहाँ से जैसे बैक में हमने 2 इंच लंबाई नीचे बढ़ाई है, वैसे यहाँ पर बढ़ाना है। ये साइड पार्ट लेंगे हम, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये ऐसा ही फ्रंट बन जाएगा। अभी मैंने कहा था कि इससे गाउन भी बना सकते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो ये जो कोटी है इतनी तैयार हो गई। यहाँ से कमर का नाप लीजिए और नीचे तरफ अम्ब्रेला कट कर लीजिए। ऐसी अगर चुन्नट वाली आपको बनाना है अनारकली, तो उसका भी वही करना है आपको। यहाँ तक कोटी को अलग बना लीजिए और नीचे आप घेर जोड़ दीजिए, तो आपका अम्ब्रेला, अनारकली या फिर गाउन भी बना सकते हैं। 100% फिटिंग ऊपर की आपको मिल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पराग टेलर चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा कॉलर नेक और बोट नेक दो तरीके के पेपर पैटर्न है। दोनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन कई लोगों को ये देखना है कि इस पेपर पैटर्न से ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, ब्लाउज को कटिंग कैसे करेंगे, अगर माप ज़्यादा हुआ या कम हुआ, लंबाई ज़्यादा हुई या कम हुई, तीनों चारों चीज़ों के टेम पर इसकी कटिंग कैसे करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा कॉलर नेक का 8 साइज का सेट है और ये सेट मात्र 1300 रुपये का है, आप इसको बुलवा सकते हैं। तो आज मैं इस पेपर पैटर्न से आपको ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है वो बताने वाला हूँ। पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेने के बाद आपको क्या चेंज करना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया है तो ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और कुछ कम या ज़्यादा करना होता है तब क्या करना पड़ता है ये भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पेपर पैटर्न से ब्लाउज कटिंग कैसे होता है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे हमारे ब्लाउज के पेपर पैटर्न की लंबाई 14 इंच है, तो उसको कैसे नापते हैं 14 इंच, हम यहाँ लेंगे नीचे 15 और ये 1 इंच ऊपर आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है। जब भी आप कॉलर ब्लाउज की कटिंग का मेजरमेंट लेंगे तो ऐसे मेजरमेंट करना है, 14 लंबाई है तो 15 पर रखना है। अब देखिए कस्टमर के ब्लाउज की लंबाई कितनी है उसको देख लेते हैं। यहाँ रखेंगे हम, यहाँ से रखकर ऐसे मेजरमेंट करेंगे तो इसकी ब्लाउज की लंबाई हम रखेंगे 16 इंच। ठीक है, कितनी है ब्लाउज की लंबाई 16, तो 16 इंच कैसे रखना है। अभी यहां पर लेंगे ऐसे, इस भाग को यहां जमाऊंगा पहले, मतलब हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 है, कस्टमर की कितनी है 16, तो 16 को हमको नीचे ऐसे 2 इंच का निशान लगाना है पहले, ये देखिए ऐसे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लाउज को नीचे करेंगे, अब हम इस फर्मे को 2 इंच ऊपर कर लेंगे, ये हमने जमा लिया बराबर। अब इस निशान को कंटिन्यू कर लेंगे। कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे कस्टमर की ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा और हमारे पैटर्न की लंबाई कम होगी, तब आपको ऐसे कर लेना है। अभी ये हो गया, जैसे ये हमने कितना कटिंग किया है 15, अगर आपके कस्टमर का आ जाता है 14 इंच, तो आपको सिर्फ आपका 1/2 इंच यहाँ से कम करना है बस, और इससे ज़्यादा इस साइज में किसी का भी शोल्डर आपका आने वाला नहीं है। अभी देखिए ब्लाउज का पैटर्न का निशान लग गया है, तो मैं यहाँ पर कमर के डॉट का निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर हम साइड की मार्जिन का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमको डिजाइन बनाना है पीछे गले में, तो हम ऐसे डिजाइन भी बना लेंगे, और इसकी स्टिचिंग का वीडियो आने वाला है तो पूरा देख लेना। ये देखिए यहाँ पर साइड पार्ट को जमाया मैंने, इस पर निशान लगाएंगे, ये निशान को नीचे जाने देंगे। पहले मैं इस निशान को तैयार कर दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ से हटाऊंगा। अब मैं यहाँ से जैसे बैग में हमने 2 इंच लंबाई नीचे बढ़ाई है, वैसे यहाँ पर बढ़ाना है। इस जगह बढ़ा दिया मैंने लंबाई का निशान, और एक स्केल की मदद से
ये उतार दिया। ये हो गया हमारा साइड पार्ट। हमारे पैटर्न में कहीं भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है, मार्जिन ऑटोमेटिक है। ये ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा है इसके लिए इसको बढ़ाया गया है। अभी हम यहाँ आ जाते हैं, ये हमारी स्लीव है, स्लीव को यहाँ रखेंगे और स्लीव में आपको अगर कपड़े पर नहीं बैठती है तो ऐसे कर कर इधर जॉइंट लगा देना है। तो मैं यहाँ रखूँगा इसे स्लीव को। ये देखिए ये आ गई है मेरी स्लीव पूरी लंबाई में बरोबर से। जब आपके पास पेपर पैटर्न रहता है तो आप ऐसे बरोबर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं निशान लगाऊंगा स्लीव का। अभी इसको साइड में रखेंगे, कस्टमर के ब्लाउज की स्लीव लेंथ देखेंगे। ये हमारे पास है इतनी ज़्यादा, इतनी मुझे यहाँ पर फ्रिल लगाना है तो ये फ्रिल मेरी एडजस्ट हो जाएगी एक इंच की, तो ये मेरी आस्तीन भी बराबर आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर मार्क लगाऊंगा, ये मेरा फ्रंट है और ये बैक। तो मैं पहले इस स्लीव को कट कर देता हूँ आपके सामने ही। यहाँ पर छटका लगाएंगे और एक छटका यहाँ पर, ताकि ये मालूम पड़े कि ये फ्रंट है। अभी इस आस्तीन को ऐसे पलटा दूंगा बराबर से। ये मैंने यहाँ पर आस्तीन को पलटा ली है, इतना मैं जॉइंट लगा दूंगा। अभी ये हम पहले साइड पार्ट कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी डेढ़ इंच की सिलाई मार्जिन है तो उसका निशान लगा लेंगे। ये पैटर्न को रख लेंगे, पहले देख लेंगे ऐसे बराबर से, और यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे जहाँ पर हमारे पास सिलाई मार्जिन आ रही है। यहाँ पर भी एक छटका लगा के रख देंगे, इसको साइड में रख लिया। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सीधा कट लगाएंगे, यहाँ मैंने कट लगा दिया डॉट का। यहाँ पर हमारा डॉट आया हुआ है, इस डॉट के निशान को पीछे भी ले जाएंगे ऐसे कर कर, और ये बैक कटिंग हो गई। यहाँ पर पीछे हम डिजाइन दे देंगे। ये डिजाइन हमारी पलटेगी और इसके ऊपर जुड़ जाएगी, तो मैं यहाँ पर भी कट लगा दूंगा। अभी देखिए बैक हमारा कटिंग हो गया है पूरा, और अच्छे से इसकी गुलाई भी कर सकते हैं अपन। अभी देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई, ये साइड पार्ट की कटिंग हो गई और ये स्लीव की कटिंग हो गई। अब हमारा क्या बचा हुआ है, फ्रंट पार्ट। इस फ्रंट पार्ट को रखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ नहीं जम रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कपड़े को ऐसे रख लेंगे। देखिए पेपर पैटर्न लेने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो यहाँ पर जैसे ये जहाँ पर जम रहा है सिलाई मार्जिन के साथ है सामने, तो ऐसे रखेंगे। ये हमने यहाँ रख लिया, अब निशान लगाएंगे। ये इसको हटा लेंगे यहाँ से। यहाँ पर सिलाई मार्जिन है हमारे पास आधा इंच की। और ये कंप्लीट। अभी देखिए दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ से कट करूँगा पहले इसको।
अभी देखिए कट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है, सामने अगर आपका डिजाइन वाला गला है ऐसे वाला, तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे, यहाँ से खोलेंगे, जितना आपका गला है कस्टमर का आधा इंच सिलाई का छोड़ दीजिए ऊपर का, और ये जो सिलाई है इसको यहाँ रखिए ऐसे बराबर से, और इस भाग को आप यहाँ लेकर चल जाइए। ये हुक हाई पट्टी का एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट एक मार्क लगाइए, थोड़ा सा ऊपर एक मार्क लगाइए, और इस निशान को ऐसे चला दीजिए। ये हमने निशान को चला दिया यहाँ तक, यहीं से हमने इस स्टैंड के लिए जगह बना दी है, और ये निशान हमारा ऊपर चले गया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको ऐसे आना है इस तरफ और ऐसे, ये जब हम कट मार के यहाँ से गला पलटा देंगे तो यहाँ से ऊपर क्या चढ़ेगा हमारा स्टैंड, यहाँ से नीचे क्या रहेगा गला। तो ये सामने आप ऐसे गला डिजाइन का भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप गोल गला भी बना सकते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं कि ये गोल गला हमको बनाना है, तो हमको यहाँ से स्टैंड का छोड़ देना है ऐसे, ठीक है, यहाँ से स्टैंड चढ़ जाएगा, इतना गला हमारा इधर पलट जाएगा। तो ऐसे अपने को कटिंग कर लेना है। मैं इसको वी में बनाने वाला हूँ, तो मैं कैसे कटिंग करूँगा देखिए, ये मैंने कट किया। अभी दोस्तों देखिए, जैसे हम इसको सिलाई से पलटाएंगे तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे और नीचे तरफ ऐसा बंद कर देंगे, ऊपर तरफ ये बच जाएगा कोना, ठीक है। तो इसको हम कटिंग करने के बाद में सिलाई कैसे करते हैं, अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो इसके बाद में हमारा सिलाई का वीडियो आने वाला है, आप सिलाई पूरा वीडियो देख करके 100% इसको सिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है, ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है, ये देखिए साइड पार्ट कटिंग हो गया है, और यहाँ पर ये हमारी स्लीव कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपने आज इस पैटर्न से ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है कॉलर वाले की वो समझ ली है। अभी आपको साड़ी पर रखकर कैसे कटिंग करना है वो बताता हूँ। ये देखिए, ये जो स्टैंड है हमारे पास, आपको इसके साथ में स्टैंड भी मिलेगा, इस स्टैंड को आप यहाँ से ऐसे कट कर लीजिए। ये जो स्टैंड हमने बड़ा कटिंग किया है, जब हम ब्लाउज को तैयार करेंगे तो बैग में मेजरमेंट करेंगे, सामने जहाँ तक आएगा मेजरमेंट करेंगे, वहाँ से कट करके इसकी गुलाई घुमा लेंगे, और ये जो है ना हमारा, ये पूरे गला में गोल बन जाता है, उस टाइप से कटा हुआ है। तो आप इसके हिसाब से कट कर लीजिए, कट करने के बाद आप ऐसे स्टैंड को कटिंग कर सकते हैं। ये हमने कपड़े को फोल्ड की तरफ से रख लिया है, ये फोल्ड वाली साइड है और बाहर हमारी खुली साइड है। हमने ये जो उल्टा कपड़ा ऊपर रखा है और सीधा कपड़ा अंदर रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करेंगे। ये साड़ी का कपड़ा है, मतलब सिल्क वाला है, जो साड़ी के अंदर से ब्लाउज निकलता है वो वाला। तो डबल फोल्ड अंदर की तरफ रखा है हमने और बाहर तरफ खुला वाला भाग, तो इसको कटिंग करेंगे। पहले हम इस बैक की कटिंग कर देंगे, बराबर से कटिंग कर दीजिए कपड़े के बराबर, और फिर इसको पूरा यहाँ से वहाँ तक कट कर लीजिए। तो देखिए, ये मैंने बैक पार्ट का कटिंग कर लिया है, और ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको क्या करना है, अपने को ऐसे फोल्ड करना है और नीचे से कट कर देना है। अब देखिए, ये कट हो चुका है, अब इसको साइड में रखेंगे। अब ये जो खुला वाला भाग है, मतलब दोनों तरफ से खुला वाला है, तो इसको रखेंगे यहाँ पर। अब इसको भी बाहर वाला खुला वाला रखेंगे, फ्रंट में जिधर हुक हाई लगेगी वो वाला, और इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा दूर से भी कट किया तो कोई टेंशन नहीं है, कपड़ा बिल्कुल बराबर हमारा जुड़ जाएगा। ऐसे ही हमने कट कर लिया इसको भी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको साइड में रखेंगे, और यहाँ पर क्या देखना है अपने को, एक हमारा साइड पार्ट बचा हुआ है और एक स्लीव बची हुई है। पहले साइड पार्ट को जमा करके देखेंगे, उससे पहले मैं आस्तीन कटिंग करना ज़्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि साड़ी के कपड़े वैसे ही कम रहते हैं, उनके अंदर से ब्लाउज का कपड़ा निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अपनी लंबी आस्तीन भी यहाँ पर इतने कपड़े में बन जाएगी, और जो हमारे पास नीचे का प्लेन कपड़ा बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इस कपड़े को फ्रिल लगा देंगे आस्तीन के अंदर डबल वाली। तो ये कटिंग कर लेंगे आस्तीन को हम ऐसे। आप भी आराम से हमारे पेपर पैटर्न से ब्लाउज आराम से कटिंग कर सकते हैं कॉलर वाले, और कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब देखिए फरमे से कटिंग किया तो कितना फायदा होता है ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास कपड़ा साड़ी वाला कम है, हम ये अस्तर वाले कपड़े को बिछाएंगे, ये बरोबर नहीं आ रहा, ऐसे पलटा लेंगे तो ये बरोबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आसान तरीके से कटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पेपर पैटर्न बुला सकते हैं। पेपर पैटर्न की मदद से आप 5 मिनट में कॉलर वाला ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, बॉटनेक ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। और इस पेपर पैटर्न को ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उसको कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, और इस पैटर्न को बुला सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी ये मेरा वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ जो कि हमारा। दोस्तों देखिए ये हमारा ब्लाउज अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना है, चलिए।